दो दिन से दो नदियों के बीच बने टापू पर फंसी तीन जान। लेवा मेले में हाट लगाने जा रहे थे सास ससुर और दामाद। आनन फानन में बुलाया जा रहा रेस्क्यू दल। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत सिंध नदी और गुंजारी नदी के बीच बने टापू पर मेले में दुकान लगाने जा रहे सास ससुर और दामाद दो दिन से फंसे हुए हैं और इसकी भनक प्रशासन के साथ पुलिस को नहीं लगी। आज जब कुछ ग्रामीणों ने बीच टापू पर एक ऑटो वाहन देखा, इसकी सूचना तत्काल मीडिया के साथ पुलिस को दी गई। टापू पर फंसे लोगों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया तो टापू पर फंसे बादल जाटव ने बताया कि 9 सितंबर को हम मेले में हाट लगाने के लिए निकले थे। गुंजारी नदी पर बने रपटे को तो पार कर लिया, लेकिन सिंध नदी पर बने रपटे पर पानी अधिक होने की वजह से उसे पार ना कर सके। बीच टापू पर बने मंदिर में जाकर सो गए। जब सुबह उठकर देखा तो दोनों ओर की नदियों का जल स्तर और बढ़ गया, जिसके बाद हम वहीं फंसे हुए हैं। सूचना के बाद अब मौके पर पुलिस बल तैनात है। रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है। मामला भी संज्ञान में आया है क्योंकि नदी जो है उसके दो मुहाने हैं, उसके बीच में जो टापू है मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर दो लोगों की जानकारी मिली थी। एसडीओपी साहब और हमारे डीआई साहब मौका स्थल पर पहुँच चुके थे। मैंने ये भी मुजायजा लिया है और रेस्क्यू टीम आ गई है, उनको निकाल रहे हैं। एसडीएम साहब और डीआई साहब को और मेरे जो सूचना मिली थी, तो सूचना के आधार पर हम जो है बड़ौता गाँव में पहुंच गए हैं। यह नदी सिंध नदी दो भागों में बटी हुई है। एक भाग में बीच में जैसे रेशम माता का मंदिर है, वहाँ कुछ लोग दुकान वगैरह लगाने आते हैं, तो ऐसी जानकारी लगी थी। वो कल से आए हुए थे और यहाँ आकर के रुके हुए थे, अभी सुरक्षित हैं। उनसे मेरी बात भी हो गई है, आपके माध्यम से भी हुई है, वैसे भी मेरी बात हो चुकी है। दूसरी तरफ से हमने थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार मैडम को वहाँ से भेजा है। वहाँ पे जो सरपंच है, साइड बन चुकी सरपंच, वो भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उनके निकलने की सारी व्यवस्था हो गई है। हमारी रेस्क्यू पार्टी भी रवाना हो गई है, लगभग आधी दूर पे आ गई है। वो पहुँच करके हम उनको सुरक्षित निकाल लेंगे। वैसे अभी भी ऐसी स्थिति में है कि सुरक्षित है और खतरे के स्थान से काफ़ी ऊपर है।